आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है थीम्स फार्मूला फॉर कन्फाइंड एक्वीफर। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं जो कि कन्फाइंड एक्वीफर है, ये इम्पर्वियस लेयर है और ये भी इम्पर्वियस लेयर है। पानी इन दोनों लेयर्स के बीच में कन्फाइन है। थीम ने दो ऑब्जर्वेशन वेल लगाए, ये ज़ीरो ड्रॉडाउन रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, या आप सेंटर ऑफ वेल ले लेते हैं, ये रेडियस ऑफ वेल हो जाएगा आपका आर डब्ल्यू, और इसमें ये वेल ले लेते हैं, ये पहला ऑब्जर्वेशन वेल ये वन, ये ऑब्जर्वेशन वेल टू। तो आप देख रहे हैं कि ये इसको ले लेते हैं आर वन डिस्टेंस पे, ये ऑब्जर्वेशन वेल पहला, दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल आर टू डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये दोनों ऑब्जर्वेशन वेल में जो ड्राडाउन है, ये पहले वाले का ड्राडाउन ले लेते हैं एस वन, दूसरे वाले का ड्राडाउन एस टू। तो ये क्या इधर हुआ, ये एच वन ले लेते हैं जहाँ तक वाटर है, ये एच वन हो जाएगा, ये एच टू इसको ले लेते हैं। अब ये जो आप सरफेस देख रहे हो पानी की, वो कन्फाइंड एक्वीफर के केस में प्यूजमेट्रिक सरफेस होगा, ठीक है। ये जो सरफेस है प्यूजमेट्रिक सरफेस होगा। तो इस फिगर में ये आपका मेन वेल है, ये ऑब्जर्वेशन वेल है। पानी निकालेंगे सिर्फ मेन वेल से, ऑब्जर्वेशन वेल सिर्फ ऑब्जर्वेशन वेल के ऑब्ज़र्व करने के काम आता है, ये पानी निकालने के काम नहीं आता है। तो आइए डेरिवेशन देखते हैं क्या। तो थीम्स फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं हम लोग डार्सी लॉ क्या है, क्यू इज इक्वल टू के आई ए। यहाँ पे के कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी है, आई है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ए है एरिया। तो अब देखें, यहाँ पे देखते हैं आई आई कैसे आया है, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई हम लोग छोटा सा एरिया ले लेते हैं इस एक्वीफर में, ठीक है। तो अब ये छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं डी आर। तो ये आप देख रहे हैं, आप ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक, कुछ ऐसा ये दिखेगा। तो ये आपका हो जाएगा डी आर, ये डी एच। तो ये एरिया बहुत ही स्मॉल लिए हम लोग, टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका हो जाएगा डी एच अपॉन डी आर, ये है आपका आई, डी एच अपॉन डी आर, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और यहाँ पे आप इस फिगर में देख लीजिए, ये जो बी है, ये है आपका थिकनेस ऑफ एक्वीफर, ये बी है, ठीक है। तो अब एरिया फाइंड करते हैं वेल का। तो एरिया आप जान रहे हैं टू पाई आर एच होता है, लेकिन इसमें यहाँ तक ले रहे हैं इस साइड तक, तो बी है। तो अब ये जो वैल्यू थी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की और एरिया, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा k इंटू डी एच अपॉन डी आर टू पाई आर बी। फिर हम लोग ऐसा अरेंज करेंगे, डी आर अपॉन आर कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ। अब इंटीग्रेट करेंगे लिमिट आर वन से आर टू में और एच वन से एच टू में। तो जो ये लेफ्ट साइड वाला है उसको आर वन से आर टू में इंटीग्रेट करेंगे लिमिट में, और जो लेफ्ट राइट वाला है उसको एच वन से एच टू के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आती है तो ये जो तीन स्टेप है यहाँ से, एक दो, ये दो स्टेप आप याद कर लो तो आप ये आसानी से डेरिवेशन कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये स्टेप आएगा लॉग ई आर आर वन आर टू टू पाई के बी क्यू एच एच टू एच वन, ये स्टेप आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा लॉग आर टू अपॉन आर वन टू पाई के बी क्यू एच टू माइनस एच वन। फिर यहाँ इसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ से आप
क्यू की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लोगे आप क्यू की वैल्यू, क्यू एक साइड कर लो, बाकी वैल्यू एक साइड, तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं एस टू माइनस एच वन इज़कल टू एस वन माइनस एस टू, ये आप याद भी कर सकते हो इस वैल्यू को। तो अब यहाँ पे देख रहे हो क्यू के फार्मूले में ये जो डिस्चार्ज है इसके फार्मूले में एस टू माइनस एच वन आ रहा है, तो अब इसके जगह हम लोग एस वन एस टू रख सकते हैं जो कि ड्रा डाउन है दोनों ऑब्जर्वेशन वेल का। ये एस वन जो है पहले ऑब्जर्वेशन वेल का ड्रा डाउन है और एस टू दूसरे ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन वेल का ड्रा डाउन है, दिखा रहे हैं फिगर में आपको। ये एस वन है ये एस टू है, तो पहले वाले जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसमें क्या आया था एच टू माइनस एच वन, ठीक है एच टू ये एच टू है ये एच वन है। तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो, मान लो बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर एच टू की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में एच वन एच टू की और एस वन एस टू की दी हुई है, तो आप ये फार्मूला पुट करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक थीम फार्मूला फॉर कन्फाइंड एक्विफर। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।